मुफ्ती महासंघ के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी धरने पर बैठे हुए हैं। सुबह से कई बार सरकार की तरफ से कुश्ती खिलाड़ियों को मनाने की कोशिशें की गई, लेकिन तमाम बातचीत नाकाम रही। शाम को खेल मंत्रालय में खेल सचिव के साथ मुलाकात भी बेनतीजा रही। मुलाकात के दौरान उन्हें जो आश्वासन दिया गया उससे वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं करते तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। इस दौरान महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का भी दावा किया है। और दूसरी तरफ दिन भर कुश्ती खिलाड़ियों को दूसरे खिलाड़ियों और बड़ी राजनीतिक हस्तियों का भी समर्थन मिलता रहा। जब सेशन होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहां पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती यार, और बाकी लोग थे जो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है, तो वो लड़कियां सबूत हैं, वो लड़कियां शोषण का शिकार हुई हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं, वो आप सबके सामने बैठी हैं आज, इनमें से ही वो लड़कियां हैं। मैं नहीं चाहती कि हम उनका खुलासा करें, लेकिन हमें मजबूर किया गया तो हमें वो सब करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए सबसे बुरा दिन होगा। क्योंकि जो हमने इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास एक दो लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए, हमारी जान को भी खतरा है। हम रात को, कल रात को भी अगर हम गए हैं तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है। आप सोचिए, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया, इतने अपम सम्मान के साथ हम चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे, बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे, अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे, नर्सों हो जाएगा। हम डटे रहेंगे, हम मेहनत छोड़ देंगे, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी को और उनके जितने भी जो ये करप्ट लोग बैठे हैं, हर स्टेट में उनके लोग बैठे हैं, हर जगह पे उनके लोग बैठे हैं, अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। आज जब ये बहुत बहादुरी दिखाकर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, जो कि एक सांसद भी हैं, उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करते हैं तो कोई इनकी सुध नहीं लेता। सबसे पहले तो ये बताएं, अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई, और ये आदमी ब्रजभूषण शरण, इसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा गया। दूसरी बात, अभी तक ये आदमी कई सालों से, 13 से ज्यादा सालों से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना हुआ है। इतने बड़े बड़े आरोप लग गए और फिर भी अभी तक इसका रेजिग्नेशन नहीं माना गया, तो इसका रेजिग्नेशन तुरंत लेना चाहिए। और इसके ऊपर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या कर रही है। बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट